आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने कर्सर को हाईलाइट कैसे करें, किसी भी कलर में कैसे ले आए। मान लीजिए जब आप क्लिक करते हैं तो कर्सर ब्लिंक करे कलर के साथ। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ब्राउजर में सर्च करना है RW डिजाइनर माउस, और उसके बाद आप RW डिजाइनर पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करने पर हाइलाइटेड एंड कलर्ड कर्सर्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड आपको सपोज डाउनलोड्स पे ही रखना है, ओपन कर लेना है और यहाँ पर सेव कर लेना। अब इसको आपको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड सेशन में हाइलाइटेड एंड कलर्ड में आ जाएगा, उसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद तुरंत ही उसके नीचे हाइलाइटेड एंड कलर्ड का फोल्डर आपके पास आ जाएगा, उस पर डबल क्लिक करना है तो आपके पास कंप्लीट जितने सारे कर्सर के कलर्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। और उसके बाद आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और माउस सेटिंग सर्च करना है, माउस सेटिंग को ओपन करना है। देन उसके बाद एडिशनल माउस सेटिंग पर क्लिक करना है। एडिशनल माउस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद पॉइंटर्स पर और मैग्निफाइड सिस्टम स्कीम पर क्लिक करना है और ब्राउज पर क्लिक करना है। ब्राउज पर क्लिक करने के बाद इस पीसी पर जहां पर आपने उसे सेव किया, डाउनलोड्स पर और हाइलाइटेड एंड कलर्ड जो कि आपका कर्सर इसी के अंदर है सारे। मान लीजिए आपको येलो रखना है, आप क्लिक करेंगे और ओपन कर लेंगे। आपका कर्सर अप्लाई करने के बाद ये देखिए पूरा येलो कलर का हो गया है। अब ओके कर देंगे। जब तक आप इसे हटाएंगे नहीं तब तक ये कर्सर ऐसा ही रहेगा। अब इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हटाने के लिए एडिशनल माउस सेटिंग पर क्लिक करने के बाद पॉइंटर ऑप्शन पर जाएंगे और जो मैग्निफाइड सिस्टम स्कीम है उसको नन कर देंगे, ये कर्सर अपने मन से हट जाएगा। अब इस यहाँ पर क्लिक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो हट जाएगा। ये देखिए अप्लाई करने के बाद हट गया, लेकिन हमें फिर से हमें वही रखना है। और हम फिर से एक बार ऐसा कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।